हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 वर्मा टुडे बुक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 10 इंग्लिश में। चैप्टर का नाम है यंग वॉइस ऑफ चेंज। इस चैप्टर में हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के अनुसार जो इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, वह सारा क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपसे छूटे ना। हम लोग बढ़ते हैं पहला पैसेज में। रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो सबसे पहले हम लोग करना क्या है कि पैसेज को पढ़ेंगे। पैसेज को पढ़ने के बाद यहाँ से आंसर कैसे निकालना है वो इस वीडियो में आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो अभी देखिए, सबसे पहले आपका पहला काम होता है आपको जो भी गिवन पैसेज रहेगा उसको पढ़ना है। एक बार में समझ में आ जाता है, ठीक है, नहीं तो दो बार पढ़िए, तीन बार पढ़िए, जब तक समझ में नहीं आता तब तक पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि पैसेज को अगर समझेंगे नहीं तो वहाँ से फिर आंसर आप नहीं निकाल सकते हैं। तो इसीलिए पढ़ना है एक बार, दो बार, तीन बार। तीन बार में हार्डली समझ में आ जाता है क्या है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए हम लोग भी पढ़ लेते हैं। इन द ईयर 2015 मलाला यूसुफजई बिकम द यंगेस्ट इवर नोबल प्राइज विनर। सी शेयर हर अवार्ड विद द कैलाश सत्यार्थी। तो 2015 के ईस्वी में मलाला यूसुफजई जो है, जो कि पाकिस्तान की एक यंग लड़की है, ठीक है, उसको मिला हुआ था नोबल प्राइज किसके साथ में, इंडिया के कैलाश सत्यार्थी के साथ में, ठीक है। सी हैड बीन शूट इन हर हेड बाय तालिबान फॉर प्रोमोटिंग एजुकेशन फॉर द गर्ल ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में लड़की के एजुकेशन पे वो काम कर रही थी, ठीक है, लड़की के एजुकेशन पर वो जागरूक फैलाने काम करती थी। तो उसी के दौरान क्या हुआ, तालिबान जो पाकिस्तान का एक आतंकी संगठन है, वो क्या किया कि वो लोग के हिसाब से लड़की सब पर्दा में रहना चाहिए, जबकि मलाला यूसुफजई के अनुसार क्या है कि उनके अनुसार है कि लड़कियों को पढ़ना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, ठीक है। तो दोनों के बीच में विवाद हो गया और इस वजह से जो तालिबान के जो आतंकी थे उन्होंने क्या किया कि मलाला यूसुफजई के सर में गोली मारे, बस से वो जा रही थी उस समय। दैट्स वाई द मैसेज ऑफ मलाला ड्यूरिंग द नोबल प्राइज एक्सेप्टेंस स्पीच, है ना। और जब वो स्पीच दे रही थी तो उस समय ये वाला वर्ड वो बोली थी कि लेट दिस एंड विथ अस, हम लोग के साथ में ये खत्म हो जाना चाहिए। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए पैसेज। अब हम लोग पैसेज के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज मलाला मैसेज ड्यूरिंग हर नोबल एक्सेप्टेंस स्पीच। जब अब नोबल प्राइज जब ले रही थी और अपना जो स्पीच दी तो क्या था, तो लेट दिस एंड विथ अस। तो ये होगा सही आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, लेट दिस एंड विथ अस, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो मिलेगा क्वेश्चन नंबर टू कि इन 2015 हु बिकम द यंगेस्ट नोबल प्राइज विनर। तो सबसे यंगेस्ट नोबल प्राइज विनर कौन बनी, मलाला यूसुफजई, ठीक है। आगे है व्हाई डिड द तालिबान शूट हर। तो तालिबान उसको क्यों शूट किया था, क्योंकि वो प्रमोट करती थी गर्ल्स एजुकेशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गर्ल्स एजुकेशन पे वो प्रमोट करती थी जिसकी वजह से तालिबान को पसंद नहीं था और वो तालिबान के आतंकियों ने उसमें गोली चलाई। विथ होम डिड मलाला शेयर नोबल प्राइज। तो नोबल प्राइज उसको संयुक्त रूप से दो व्यक्तियों को मिला था, ठीक है, एक तो मलाला को और दूसरा है कैलाश सत्यार्थी जो कि इंडिया से है। जो कैलाश सत्यार्थी है इनके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे, ये जो है ना ये बच्चों के एजुकेशन पर काम करते हैं, जो अनाथ होते हैं या जिनके मम्मी पापा नहीं होते या फिर जो इधर उधर खो जाते वैसे बच्चों के एजुकेशन पर ये कैलाश सत्यार्थी काम करते हैं, ठीक है। तो इनको भी 2015 ईस्वी में मिला हुआ था नोबल पुरस्कार मलाला यूसुफजई के साथ में। वेयर वाज द सी प्रमोट एजुकेशन फॉर गर्ल। तो कहाँ पर वो प्रमोट किया करती थी गर्ल्स का एजुकेशन, तो पाकिस्तान में एजुकेशन का जो कंडीशन है बहुत ही ख़राब है, ठीक है। तो वहाँ पर प्रमोट करती थी, उसी दौरान उसको गोली मारा गया था, इसी वजह से उसको नोबल पुरस्कार मिला हुआ है। अगला जो हम लोग पास में पैसेज दिया हुआ है सेकेंड पैसेज में, इन 1992 अ ब्रेव 12 ईयर ओल्ड गर्ल फ्रॉम द वनकावर स्टूड अप इन फ्रंट ऑफ द UN एंड डेलीगेट एट द अर्थ सबमिट इन रियो डी जेनेरियो एंड हेल्ड हार्ट फिल स्पीच अबाउट द डिमिसिस ऑफ द ह्यूमैनिटी एंड द एनवायरमेंट एंड व्हाट नीड टू बी डन टू मेक थिंग्स बेटर सिंस देन सी बिकम नॉन एज द गर्ल हु साइलेंस्ड द वर्ल्ड फॉर 6 मिनट्स। हर स्पीच इज फेमस वर्ल्ड वाइड एंड मिलियन ऑफ पीपुल हैव लिसन टू हर टू इट साइलेंटली विदाउट ब्लिंकिंग। नेक्स्ट है सुजुकी वॉज जस्ट 9 ईयर्स ओल्ड वेन सी स्टार्टेड एन एनवायरमेंट चिल्ड्रेन ऑर्गेनाइजेशन विथ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ अदर चिल्ड्रेन एंड दे रेज द मनी टू अटेंड द UN अर्थ समिट। आगे है क्वेश्चन ऐसी है कि UN अर्थ समिट इन रियो डी जेनेरियो वॉज हेल्ड इन द ईयर। तो 1992 में किया गया था, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा व्हेन सुजुकी स्टार्ट एन एनवायरमेंट चिल्ड्रेन ऑर्गेनाइजेशन सी वॉज जस्ट 9 ईयर्स। 9 ईयर्स की थी सुजुकी तब से अपने एनवायरमेंटल चिल्ड्रेन जो है ना ऑर्गेनाइजेशन पे जुड़ के काम कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट है सुजुकी व्हेन स्टूड इन फ्रंट ऑफ UN डेलीगेट सी वॉज
वो कितने साल की थी उसमें, 12 ईयर्स ओल्ड। तो जब यूएन देखिए 9 साल से स्टार्ट करती काम करने, लेकिन यूएन में जब स्पीच देने के लिए खड़ा हुई तो कितने साल की थी, 12 ईयर्स की हो गई थी। ठीक है, तो यह है कुछ क्वेश्चन आंसर है जो कि बुक से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। हु इज द यंगेस्ट पर्सन टू विन द नोबेल प्राइज़। तो सबसे यंगेस्ट पर्सन अगर देखा जाए नोबेल प्राइज़ जीतने में कौन है, मलाला यूसुफ़ज़ई। विथ होम डिट मलाला यूसुफ़ज़ई शेयर नोबेल प्राइज़, तो किसके साथ, कैलाश सत्यार्थी के साथ में शेयर की थी। ठीक है, मलाला यूसुफ़ज़ई हैज़ रेज अ वॉइस फॉर विच इशू। तो मलाला जो है अपना जो एजुकेशन फॉर गर्ल्स के लिए जो था इसके विषय में वो अपना आवाज़ उठाती है। वाई वाज सुजुकी स्पीच वाज इफेक्टिव, तो सुजुकी का स्पीच क्यों इतना इफेक्टिव था। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बिकॉज ही रेज अ वॉइस फॉर द मेजर एनवायरमेंट प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत बड़ा, उम्र छोटा है और उसके अनुसार बहुत बड़ा प्रॉब्लम के बारे में वो क्या कर रही थी, बात कर रही थी। ठीक है, ये चीज़ ECO स्टैंड फॉर, ECO का मतलब क्या होता है, ECO का मतलब होता है द इन्वायरमेंटल चिल्ड्रेन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिससे सुजुकी जुड़ी हुई थी। इन्वायरमेंटल चिल्ड्रेन ऑर्गेनाइजेशन वॉज स्टार्टेड बाय मलाला यूसुफ़ज़ई, 7th सुजुकी, कैलाश सत्यार्थी, साक्षी मलिक। तो इसका सही आंसर होगा 7th सुजुकी, इसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाउ ओल्ड इज 7th सुजुकी, तो कितने साल की थी। ठीक है, तो ये है 12 साल की जब वो डेलीगेट्स में स्पीच देने के लिए गई थी। ठीक है, यूएन में। वेयर डिड सुजुकी डिलीवर हर स्पीच, तो कहाँ पर वो अपना स्पीच दे रही थी, तो अपना स्पीच दे रही थी द एनवायरमेंट चिल्ड्रेन ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो वहाँ पर ये अपना स्पीच दे रही थी। तो यहाँ तक हम लोग कर लिए, तो बस इतना ही है इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। आई होप कि पूरा समझ में आया होगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके हमको बता सकते हैं नेक्स्ट किस टॉपिक्स पर, किस सब्जेक्ट पर बनाएं वीडियो, ये सजेस्ट भी कर सकते हैं, इसके लिए कमेंट करना होगा। और इसी तरह का वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके रख सकते हैं।